हुआ कि बाइक जो पंचर हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं उमेश का जो बाइक है यहाँ पे पंचर हो गई। हेलो फ्रेंड, कैसे हो सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली फ्रेंड, आज के डेट में हम लोग जाने वाले हैं अरेराज। तो हम संदीप, उमेश और सोनू और रोहित, प्रिंस और अंगद वहाँ पे है अभी। तो फिलहाल अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। हेलो, चलिए अब चलते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पे। तो अभी एक पीछे छूट गया है, तो यहाँ पे हाईवे पर हम लोग रुके हैं। तो अभी यहाँ चलेंगे डुमरिया घाट, यहाँ से अभी 14 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। फ्रेंड, अभी हम लोग जो है कि बाइक जो पंचर हो गई है हाईवे पे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और यहाँ पे कुछ फोटो शूट हो रहा है। तो अभी बाइक हम लोग का जो बन रही है वहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बाइक है होंडा स्प्लेंडर, और हमारा जो बाइक है यहाँ पे अभी लगा हुए हैं इस साइड में। तो फ्रेंड, अभी यहाँ पे देख सकते हैं उमेश का जो बाइक है यहाँ पे पंचर हो गई है। तो चलिए बाइक को बनवा लेते हैं, उसके बाद से आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम लोग जो कि बाइक को पार्किंग में लगा हैं और यहाँ पर पूछी लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अंदर। तो वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। और यहाँ पर रोहित भाई है, अंगद, रोहित, उमेश, संदीप और सोनू, इतने लोग हम साथ में आए हुए हैं। तो बाइक को यहाँ पर पार्किंग कर दिए, तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए। हरण महादेव, अब सब कैसे, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं तो यही बोलूँगा, भगवान साहब सभी के लिए दुआ करूँगा, आप सब हमेशा खुश रहें। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज हम लोग आए हैं अरेराज, आपको तो पता होगा, भाई ने बताया होगा, और आपको यहाँ का सारा लोकेशन आज दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आप सभी को नज़ारा। तब तक वीडियो में बने रहिए। आगे आगे हमारे भाई बोलेंगे। तो फ्रेंड, अभी हम लोग जल लिए यहाँ पे, और यहाँ पे काफी ज्यादा लाइन लंबा लगा हुआ है। देख सकते ना कितना ज्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है यहाँ पे, और लास्ट तक है। और यहाँ से अंदर लगेंगे, इतना ज्यादा लंबा लाइन लगा हुआ है। ये है सोमेश्वर धाम अरेराज। तो यहाँ पे दो नंबर गेट से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। मतलब कि इस तरफ से जाइए और फिर इस तरफ से आइए और फिर इस तरफ से जाइए, मतलब कि यहाँ पे राउंड लगाना पड़ रहा है। और लेडीज का लाइन है बहुत महादेव। यहाँ पे पीछे कितना ज्यादा लंबा लाइन लगा हुआ अभी, तो मतलब कि पूरा हम लोग राउंड राउंड करके आए हैं। तो चलिए आगे अब। अभी अब हम लोग यहाँ पे इस साइड आए हुए हैं, जहाँ पे एक छोटा सा नदी है, नदी टाइप का है बनाया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे काफी
काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी फ्रेंड्स लोग यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं, मतलब फोटो यहाँ पर कुछ शूट करेंगे। तो फ्रेंड अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता करने आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है अभी। तो ये है हम लोग का नाश्ता, पूरी जलेबी और सब्जी। अभी यहाँ पे हम इस साइड में आए हैं लोग, प्रसाद ले रहे हैं लोग थोड़ा, और चल रहे हैं लोग आगे की तरफ। अभी तो सारे फ्रेंड लोग यहाँ पे इसी साइड में अभी आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। गमछी ले रहे हैं ना उमेश, गमछी ले रहा है, अपना गमछा ले रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाला गमछा लिया अभी, अच्छा देख सकते हैं। चलिए 5 रुपये, चलिए 120 रुपये इसका प्राइस है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 10 का 2 10 का 2 10 का 2 10 का 2। तो एक बार जोर से जयकार लगा दो, हर हर महादेव। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हमारे साथ सभी हमारे फ्रेंड है। देखिए दोस्तों अभी हम लोग यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद में वहाँ पे लाई हो गया, चिवड़ा हो गया, और साथ में पेड़ा हो गया, और ये इलायची दाना हो गया। तो कितना में मिला है भैया, कितना मिला है ये टोटल? तो 10-10 रुपये, बहुत ही सस्ता है यहाँ पर देखिए। और वहाँ पे पेड़ा है, पेड़ा मिल रहा है, यहाँ का जो प्रसाद है खा कर। तो फ्रेंड अभी हम लोग का जो भी पूजा करना था, जो भी घूमना था, हम लोग घूम लिए हैं। अभी हम लोग घर के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ से जाएंगे अभी कहाँ पे, तुमड़िया घाट पे, वहाँ रुकेंगे थोड़ा देर, वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे लोग। तो देख सकते हैं अभी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन पहले से कम, बहुत कम ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अभी पैसा लगाता हो बहुत बाबू, अनारस खा रहा है लोग। तो फ्रेंड अभी हम लोग बैरियर के पास आ चुके हैं, जहाँ से हम लोग शुरू में एंट्री किए थे, और यहाँ से शुरू होता है मेला यहाँ का है, और बहुत सारा झूला भी यहाँ पे आया हुआ है। तो इस बैरियर से हम लोग क्रॉस करेंगे, और इसके बाद हम चलेंगे मेला में। तो देख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हम अभी मेले में एंट्री करते हैं। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पे मेला लगा हुआ है, मतलब कि जो भी सामान यहाँ बिक रहा है, पूजा का भी सामान बिक रहा है, और यहाँ पे झूला उला है बच्चे के लिए। मेला है, कुछ खास नहीं लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ से, जो भी लगा हुआ है कुछ खास नहीं लगा है, बस नॉर्मल मेला लगा हुआ है एक बाजार की तरह। तो फ्रेंड जो बाइक का पार्किंग का जो जगह है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है, और यहाँ पे टिकट 20 से 30 रुपया है पार्किंग का जो प्राइस है मोटरसाइकिल का। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं अभी, तो हम लोग मंदिर से आके फिर हम लोग मेले में घूम रहे हैं अभी। तो अभी चलते हैं आगे झूला की तरफ, तो आपको भी मैं दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ खास भीड़ नहीं है, देख सकते हैं आप, लेकिन जो भी भीड़ है मंदिर के पास था और मंदिर के अंदर था। और ये मंदिर से कुछ दूर हट के फर्स्ट में ये पड़ता है, मतलब कि हरिराज आने के पास में पड़ता है अभी। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, बस कुछ ही देर है मंदिर, मतलब क्योंकि मेला का झूला जो पास के सब है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा शोरगुल है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं झूला के पास, देख सकते हैं। और टिकट का जो रेट है ना, बहुत ज़्यादा हाई है, 50 रुपीज़ है, जो कि यहाँ पे 30 रुपीज़ होना चाहिए। और इधर ये मौत का कुआं का यहाँ पे 30 रुपीज़ का है झूला का प्राइस, इसका मेरे टिकट का पैसा ये देगा। दुनिया खतरनाक खेल कमा रहा है, मगर टिकट बहुत पूरा रखा गया है, देख सकते हैं पूरे घर पर। तो फ्रेंड अभी हम लोग रुके हैं उधर से आने वक्त, तो अभी यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पानी और पी रहेंगे, उसके बाद से हम फिर चलेंगे यहाँ से डुमरिया घाट के पास। तो फ्रेंड यहाँ पे भी एक मंदिर है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे की तरफ। तो देख सकते हैं यहाँ का पानी का, यहाँ पे जो पानी का धार है ना, काफी तेज है, और बहुत तेज पानी का धार है यहाँ पे, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, तो देख सकते हैं, और ऊपर पुल है वहाँ पे। तो चलिए तो चलते हैं और आपको दिखाता हूँ, लेकिन जो पुल बनता है उसी में का ये चीज़ है, जो पानी में बीच में लगा रहता है, आप देखे होंगे पटना वाला ब्लॉग में। तो पानी का जो धार है ना, काफ़ी तेज़ है, और उसका आवाज़ जो अभी यहाँ तक सुनाई दे रहा है हमको। तो अभी हम जस्ट नदी के पास ही में है, तो चलिए। और यही है पुल,
और एक जो पुल देख रहे हैं ना अभी वो बन रहा बन ही रहा था तब तक ये टूट गया, तो ये भी नया बना हुआ है, कितना ज़्यादा तेज है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं यही घाट डुमरिया घाट, तो यहाँ पे पानी का लेवल लगा हुआ है, कितना पानी बढ़ता है मतलब यहाँ तक भी पानी आ जाता है, आप सोच सकते हैं जब बढ़ता होगा तो कितना पानी होता होगा, और ये पूरा लंबा है। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है बट शाम के टाइम यहाँ बहुत ही अच्छा फील होगा देख सकते हैं, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है, तो चलिए तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।